किसी भी रेसिपी को बनाने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं और हर किसी के बनाने का अपना अलग तरीका होता है। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये डिलीशियस अरबी की भुजिया की रेसिपी। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। रोटी पूरी पराठा के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना एंड वेलकम टू ई बावर्ची। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हैशटैग मेरे स्टाइल से अरबी की सब्जी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि अरबी की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने 500 ग्राम अरबी लिया है और इसको हमने अच्छे से धुल लिया है, इसकी मिट्टी वगैरह हटा दिया है, तो इसको हम कर लेंगे बॉईल। अरबी को हमेशा अच्छे से वॉश करके ही बॉईल करनी चाहिए और पानी आप इतना ऐड करें कि अरबी आधी डूब जाए, पूरा डुबाने की जरूरत नहीं है। अरबी को हम पूरा कुक नहीं करेंगे, अप्रॉक्स 70-80% ही कुक करेंगे। अरबी जब तक बॉईल हो रही है तब तक हम लहसुन को छील लेंगे और इसमें लहसुन का यूज हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। जैसे ही दूसरी विसल आएगी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अरबी को ठंडा करने के बाद मैंने पील ऑफ कर लिया है और अब चलिए देख लेते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, अजवाइन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लहसुन को यहाँ पे मैंने काट लिया है, आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और अरबी को भी मैंने गोल बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गैस का फ्लेम कर दिया है हमने ऑन और लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल को होने देंगे हम गर्म। ऑयल की क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम ऐड कर देंगे लहसुन, जीरा और अजवाइन। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है हल्दी। हल्दी हम अभी पहले ही ऐड कर देंगे, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हम ऐड करेंगे कटी हुई अरबी। और ये अरबी हमारी सिर्फ 70-80% ही कुक की गई थी पहले। और अब ऐड कर देंगे हम सॉल्ट, जिससे कि हल्दी और सॉल्ट का जो टेस्ट है वो अरबी के अंदर तक चला जाए। और मसाले हम लास्ट में ऐड करेंगे। जब तक अरबी का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो अरबी को अब हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और हल्दी हमने पहले ऐड कर दिया है, इससे हल्दी का कलर और टेस्ट दोनों ही अरबी के अंदर चला जाएगा। और सॉल्ट भी हमने ऐड कर दिया है, तो उससे ये होगा कि अरबी जल्दी कुक होगा, क्योंकि इसे हमने सिर्फ 70% कुक किया है और सॉल्ट अंदर तक भी चला जाएगा। तो इसलिए हल्दी और नमक हमने पहले ऐड कर देना है। और अब इसे इत्मीनान से कभी लो फ्लेम में तो कभी हाई फ्लेम में कभी मीडियम फ्लेम में ऐसे करते हुए 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। और अरबी में लहसुन और अदरक ये दो चीजें जरूर ऐड करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अरबी का कितना प्यारा कलर आया है और अरबी अंदर से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड करारी है। तो अब वो वक्त आ गया है जब हमें मसाले ऐड करने हैं। तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब हमें लो फ्लेम में इन मसालों को 2 मिनट के लिए अरबी के साथ कुक कर लेना है। लास्ट में ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ती, मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अरबी की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और आपको ध्यान रखना है कि अरबी को 100% मत बॉईल कर लीजिएगा, इसे 70-80% ही बॉईल करिएगा, अदरवाइज ये क्रिस्पी नहीं बनेगी।
और अभी ये एकदम क्रिस्पी है। और मैंने यहाँ पे गार्लिक को चॉप करके यूज किया है, आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। जिंजर मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यूज नहीं किया है, आप चाहें तो जिंजर को चॉप करके जिंजर का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और अरबी के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन को ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अरबी खाने में बादी होता है और इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, अजवाइन इसमें ऐड करने से ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो आई जस्ट होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पे बेल बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।